जैसे कि आपने बोला महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं, तो आप देख सकते हैं इतनी कड़कती ठंड में आज हमारी बुजुर्ग माताएं बहनें सभी रोड पर आकर बैठी हैं। एक तरफ तो बोला जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप समझ सकते हैं कि बेटी इस टाइम पढ़ रही है या बच रही है? गुंडाराज तो काफी कम हुआ है सरकार में। क्या गुंडाराज खत्म हुआ है सर, बता सकते हैं आप? क्या खत्म हुआ? कुछ भी के बराबर रह गया। अगर कागजी हम लोग कार्रवाई देखते हैं तो उसमें ज्यादातर जो है जो बदमाश थे उनका एनकाउंटर हुआ है। यहाँ पर अगर गुंडा राज लोगों का खत्म हुआ है तो सिस्टम तो सही नहीं है ना। सिस्टम में तो गुंडा राज खुल के चल रहा है। अगर आप रिश्वत देते हैं तो काम होता है, नहीं देते हैं तो नहीं होता है। कि भारतीय जनता पार्टी सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे यदि भारतीय किसान यूनियन भानु की मांग पूरी नहीं हुई तो इन्हें 2022 में खदेड़कर सरकार से सत्ता से उत्तर प्रदेश से बाहर कर दिया जाएगा। बुलंदशहर के कलेक्ट्रेट के गेट पर किसान यहां पर 6 दिनों से लगातार अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर यहां पर बैठे हुए हैं। बातचीत करेंगे कि क्या इनकी मांगे हैं। आपका नाम? मेरा नाम अशोक कुमार शर्मा है। मैं मेरे क्या मांग है जिनको लेकर आप आज 6 दिन से यहां पर बैठे हो? देखो, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो 10 सूत्रीय जो मांगे हैं कि जो किसान आयोग का गठन करे सबसे पहले सरकार, और जो किसान जो 60 साल का हो जाए उसको 10,000 रुपये महीना पेंशन मिलनी चाहिए, और टाइम से गन्ने का भुगतान होना चाहिए। परंतु इस सरकार में अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है, जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जो हमारे राष्ट्र अध्यक्ष जी के बेटे हैं वो इमलिया हमारे प्रदेश कार्यालय पे कल से भूख हड़ताल पे बैठ गए हैं। अगर उनको कुछ भी हो गया तो सरकार से आर पार की हो जाएगी। आप भी 2 शब्द कहें इसमें कि जिस तरह से आप लोग यहाँ बैठे हैं। मैं कुलदीप गुड्डू, प्रदेश महामंत्री भारतीय किसान यूनियन भानु। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ, भारतीय किसान यूनियन भानु का ये मेरे नेतृत्व में और अशोक भाई के नेतृत्व में आज 6ठा दिन है, धरना प्रदर्शन चालू है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश के अनुसार पूरे उत्तर प्रदेश में धरना प्रदर्शन चल रहा है, और आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे यदि भारतीय किसान यूनियन भानु की मांग पूरी नहीं हुई तो इन्हें 2022 में खदेड़कर सरकार से सत्ता से उत्तर प्रदेश से बाहर कर दिया जाएगा। इस सरकार में मैं मिली चौहान जिला अध्यक्ष बोलना चाहती हूँ कि जैसे कि आपने बोला महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं, तो आप देख सकते हैं इतनी कड़कती ठंड में आज हमारी बुजुर्ग माताएं बहनें सभी रोड पर आकर बैठी हैं। एक तरफ तो बोला जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप समझ सकते हैं कि बेटी इस टाइम पढ़ रही है या बच रही है? क्योंकि रोड पर बैठी हुई बेटी, आप बताओ, सरकार से मैं पूछना चाहती हूँ कि रोड पर बैठी हुई बेटी क्या पढ़ सकती है या बच सकती है? सरकार ने खुद आज ऐसा माहौल पैदा कर दिया है कि हमारी माताएं बहनें अपनी बच्चों के लिए रोड पर उतर आई हैं, उनके अच्छे भविष्य के लिए रोड पर उतर आई हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि गुंडाराज तो काफी कम हुआ है सरकार में। क्या गुंडाराज खत्म हुआ है सर, बता सकते हैं आप? क्या खत्म हुआ? कुछ भी के बराबर रह गया। अगर कागजी हम लोग कार्रवाई देखते हैं तो उसमें ज्यादातर जो है जो बदमाश थे उनका एनकाउंटर हुआ है। ऐसा है गुंडा राज गुंडों का तो शायद अब आप बोल रहे हैं और हम भी मान सकते हैं 50% खत्म हो गया, लेकिन 100% प्रशासन का चालू हो गया है सर। यहाँ पर अगर गुंडा राज लोगों का खत्म हुआ है तो सिस्टम तो सही नहीं है ना। सिस्टम में तो गुंडा राज खुल के चल रहा है। अगर आप रिश्वत देते हैं तो काम होता है, नहीं देते हैं तो नहीं होता है। क्योंकि आज हमारी कुछ तो मैडम हर सरकार में चलती है, ऐसा थोड़ी ना इसी सरकार में। तो हम कब बोल रहे हैं कि सरकार में तो इसे ये बंद किया जाए ना, ये बंद किया जाए ना। कौन सी ऐसी सरकार आएगी जिसमें रिश्वत ना हो? देखिए, ये चीज तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जिन्होंने वादा किया था हमसे, ये बोलकर वोट लिया था, ये आश्वासन दिया था, किसान की आय को दोगुना करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये वादा किया था कि किसान की आय को दोगुना कर देंगे। किसान की आय दोगुना तो नहीं हो पाई। बिजली के रेट बढ़ गए, पानी के रेट बढ़ गए, बीज खाद के रेट बढ़ गए, तो किसान तो वहीं का वहीं है, किसान तो इस सरकार में बर्बाद हो गया। तो जय जवान जय किसान, मैं ये बताना चाहता हूँ धरना प्रदर्शन जब तक जारी रहेगा, लागू रहेगा। और भी काफी तादाद में लोग जो देखिए आप देखें लगातार है, जो किसान यूनियन के कार्यकर्ता हैं वो लगातार आते नजर आ रहे हैं, और बड़े जोर शोर से जो इनका प्रदर्शन है वो चल रहा है। आप देख सकते हैं जिस तरह से किसान यूनियन के कार्यकर्ता लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। साफ तौर से इनका कहना है कि जब तक
उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी। जब तक आप लोग कहाँ से आए हैं? हम खुर्जा से, जहांगीरपुर खुर्जा की टीम है। आप जहांगीरपुर और खुर्जा से आए हैं? आज छठा दिन हो चुका, मांगे सुनी नहीं जा रही हैं। कब तक चलने वाला है प्रदर्शन? ये अनिश्चितकालीन धरना है, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाएंगी तब तक धरना ऐसे चलता रहेगा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष इमलिया पे भूख हड़ताल बैठ चुके हैं और अगर जरूरत पड़ी तो हम भी यहाँ भूख हड़ताल शुरू कर देंगे। साफ तौर से कहना ये है किसानों का कि अगर, हाँ बताइए, ये तो अभी टेलर है, फिल्म अभी बाकी है। ये कुछ चंद लोग अभी आए हैं, अभी किसान अपने कामों में बहुत व्यस्त है, पर्ची नहीं आ रही, गेहूँ की बुवाई हो रही है। अगर ये बुवाई खत्म होकर यहाँ रोड पर जगह नहीं मिलेगी, इतना किसान इकट्ठा हो। किसानों का जो लगातार यहाँ पर जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर आ रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं और महिलाएं भी आ रही हुई हैं। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा कि आपका नाम क्या है? और आपका पद क्या है? मेरा नाम हीना है, मैं दादरी गौतम बुद्ध नगर से हूँ और मेरा पद जो है मेरठ मंडल महामंत्री के। क्या मांगे हैं आपकी, जिन मांगों को लेकर आप यहाँ? मांगे जो हमारी मांगे हैं, जो 50 साल से ऊपर जो है जो किसान है उनकी पेंशन बदलनी चाहिए और जो हमारी मांगे उन्हें पूरी की जाए जो किसान लोगों की है। सबसे मुख्य मांग है हमारी किसान आयोग का गठन। अगर किसान आयोग का गठन हो जाएगा हमारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, क्योंकि आज की डेट में जो भी लोग हैं, सपोज करो कि अपने किसी ने कोई कंपनी चालू की, उसका मालिक वो खुद बन जाता है। एक चप्पल तैयार की जाती है तो उसकी कीमत वो खुद रखता है। किसान लोग इतनी मेहनत से, खून पसीने से अपने अनाज को तैयार करते हैं, सब्जी तैयार करते हैं और उसका रेट व्यापारी रखता है, आखिर क्यों? वाई मतलब उसका रेट किसानों को ही तय करना चाहिए, क्योंकि उसे पता होता है ना कि किसना कितना इसमें लागत लगी है, कितने का हमें बेचेंगे जब मुनाफा होगा। तो किसान आयोग का गठन हो, सबसे मेन मांग हमारी यही है। उसके बाद में हमारी और भी 10 मांगे हैं, जैसे कि वृद्धा पेंशन है, ये 60 साल से ऊपर के लोगों की पेंशन बननी चाहिए 10,000, और अगर किसी किसान की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को कम से कम 1 करोड़ का मुआवजा मिलना चाहिए। ठीक है।